वेलकम फ्रेंड्स, इस फिगर में हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। और आप देख सकते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है और ये तीनों एंगल इक्वल है, तीनों का मेज़र वाई दिया गया है। हम लोगों को वाई का वैल्यू फाइंड करना है और एंगल ए ई बी ये एंगल का मेज़र एक्स दिया गया है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एंगल है जिसका मेज़र 140 है, ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल एबीसी के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसलिए 140 इक्वल्स हो जाएगा वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस 59। ठीक है, मतलब ये एंगल एंगल एबीसी और एंगल बीएसी का सम हो जाएगा 140 के इक्वल। तो 140 इक्वल्स हो जाएगा 3y प्लस 59। 140 माइनस 59 इक्वल्स 3y। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 81। 81 इक्वल्स 3y। तो y इक्वल्स हो जाएगा 81 बाई 3 इक्वल्स 27। तो फ्रेंड्स, हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया है, अब हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है। अब ट्रायंगल ए बी ई में 59 प्लस y प्लस y प्लस x इक्वल्स 180 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए बी ई जिसका मेज़र 59 है, एंगल बी ए ई जिसका मेज़र वाई और वाई है, दोनों ये दोनों एंगल मिलके बनता है बी ए ई, तो वाई प्लस वाई, और एंगल ए ई बी जिसका मेज़र एक्स है, वो तीनों मिलके हो जाएगा 180। ठीक है, तो 59 प्लस 2y प्लस एक्स इक्वल्स 180। 59 प्लस 2y, y का वैल्यू क्या था 27, तो 2y हो गया 54 प्लस x इक्वल्स 180। ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 113 प्लस x इक्वल्स 180। तो x इक्वल्स होगा 180 माइनस 113 इक्वल्स 67। तो फ्रेंड्स, हमने x और y दोनों का मेज़र फाइंड कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।